फिलहाल एक और बड़ी खबर जो आ रही है दर्शकों को वो बता दें, रियाद में ओआईसी की बैठक में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बड़ा बयान दिया है। ईरान ने इसराइल को फ्यूल सप्लाई रोकने की मांग की है। इसके लिए ईरानी राष्ट्रपति मुस्लिम देशों की बैठक में प्रस्ताव भी रखा। इसके अलावा ईरान ने सभी मुस्लिम देशों को चेतावनी देते हुए इसराइल से सभी तरह के रिश्ते तोड़ने की वार्निंग दे दी। हालांकि ईरान के बयान पर मुस्लिम देश एक नजर नहीं आ रहे। ईरानी राष्ट्रपति ने इस बैठक को इतना अहम माना कि पिछले 11 सालों में पहली बार कोई ईरानी राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचा है। तो आप समझ लीजिए कि ईरान के राष्ट्रपति एक तरीके से अपने बातों को भी रख रहे हैं और एक तरीके से धमकी भी दे रहे हैं मुस्लिम देशों को कि इसराइल से सारे रिश्ते नाते तोड़ लीजिए, फ्यूल सप्लाई मत दीजिए। और ऐसा अगर हुआ तो आप समझिए कि और देशों से ईरान के रिश्ते क्या होंगे और कितनी अहम ये बैठक समझ लीजिए। 11 साल में पहली बार अगर ईरान का कोई राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचा है, क्योंकि ये मुद्दा ही इतना कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है मुस्लिम देशों के लिए। एक तरफ फिलिस्तीन को मुस्लिम देश सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यही मुस्लिम देश जो है ओआईसी की बैठक में इनमें फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सऊदी अरब और कुछ ऐसे देश हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि पहले आप बंधकों को छोड़िए, बात तब होगी। बिल्कुल।